नहीं नहीं अनाया, हम वापस नहीं देखेंगे मूवी। कितनी बार देखेंगे ये थ्री इडियट्स? चेंज कर। ओ इडियट चुप कर, ये मेरा फेवरेट मूवी है। अभी नाच रही है और जैसे ही जॉय सुसाइड करेगा वैसे ही तू भी रोने लगेगी हर बार की तरह। तो क्या इतना सैड हुआ ना उसके साथ, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो अपना टैलेंट परस्यू ही नहीं कर पाया, उसका टैलेंट पूरी तरह वेस्ट हो गया ना। वैसे सिर्फ जॉय की कहानी नहीं है, हमारे कंट्री में ज्यादातर लोग ऐसे ही है जो करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। यस मीत, यू आर राइट, पर ऐसा क्यों होता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए सबसे सूटेबल करियर क्या है? है ना। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू वीडियोस ऑन माइंडवर्स। आई एम मीत एंड आई एम अनाया, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन टिप्स के बारे में जिनसे आप अपने नेचुरल टैलेंट तो पहचान ही सकेंगे और उसमें एक सक्सेसफुल करियर बना सकेंगे। यस, टुडेस टॉपिक इज हाउ टू आइडेंटिफाई योर टैलेंट एंड वर्क ऑन इट। Natural talent. So what is it? Is it like skills? अनाया के साथ साथ ये सवाल आपका भी हो सकता है। और मैं भी पहले यही समझता था कि talent और skills दोनों एक ही चीज़ है। पर जब मैंने अपनी career counseling की classes ली, तब जाकर मुझे इनके बीच का clear difference समझ में आया। Actually talent तो वो होता है जो हमारे अंदर by birth होता है। कह लीजिए talent हमें अपनी जीन से मिलता है। ये कुछ remarkable और अलग करने की natural ability होती है। और skills वो ability है जिससे हम प्रैक्टिस से एक्वायर करते हैं। हम बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं पर हमारा नेचुरल टैलेंट उन स्किल्स से बिल्कुल अलग होता है। ओह, अब समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने अपनी फर्स्ट पोएट्री थर्ड स्टैंडर्ड में लिखी थी। मुझे उससे पहले किसी ने सिखाया नहीं था कि पोएट्री कैसे लिखते हैं, ये मुझे नेचुरली आया, तो ये मेरा नेचुरल टैलेंट हुआ। और इसके अलावा मैं अपनी सेल्फ डिफेंस और सेफ्टी के लिए टाइक्वांडो और स्विमिंग भी सीख रही हूँ, जो टैलेंट नहीं बल्कि मेरी स्किल्स है। साफ बात करें तो ये समझ लीजिए, नेचुरल टैलेंट का कोई तोड़ नहीं है। आज हर बड़ी कंपनी और एम्प्लॉयर टैलेंटेड एम्प्लॉयज की डिमांड करते हैं। इसमें अगर हम अपने नेचुरल टैलेंट को समझ लें और उसी से जुड़ी नॉलेज गेन करें तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर यही तो हम सब बच्चे फंस जाते हैं कि हम अपने टैलेंट को समझ ही नहीं पाते हैं, या फिर इतना देर समझते हैं कि बहुत सारा टाइम निकल चुका होता है। यस, इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने अंदर छुपे इस टैलेंट का पता सही समय पर चले, जिसे कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करके भी समझा जा सकता है। करेक्ट, सबसे पहला स्टेप है अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना। आज हम सभी के स्कूल में स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, टेनिस एक्सेट्रा को शामिल किया जाता है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें स्पीच एंड ड्रामा, डांस, सिंगिंग एक्सेट्रा कई स्किल्स सीखी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स एक नई फील्ड एक्सप्लोर कर सके। कुछ नया ट्राई करके ही हमें समझ में आता है कि हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने आप को न्यू फील्ड्स में एक्सपोज करें, तभी आपको सही तरह से अपना इंटरेस्ट और टैलेंट का पता चलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सप्लोर करने में बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जो हमें स्ट्रॉन्ग फील करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे आज एक रोबोट बनाने को बोले तो शायद मैं ना कर पाऊँ और उस बात को टाल जाऊँ, पर अगर कोई मुझसे फाइनेंस या इकोनॉमी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सके तो मैं उसकी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़े आराम से समझा सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचुरल टैलेंट है। मुझे मजा आता है फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने में और समझने में, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने में, और यही नॉलेज मुझे स्ट्रांग बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रेंड कि नेचुरल टैलेंट को समझने के लिए अपनी पर्सनालिटी को समझना और उसे डेवलप करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे समझिए कि डांस करना किसी का नेचुरल टैलेंट है, पर वो पर्सनालिटी से बहुत शाय है, लोगों से मिलता जुलता नहीं, कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए डांसिंग में करियर बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जरूरी है कि नेचुरल टैलेंट के साथ साथ हम अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करें, जिससे हमारी टैलेंट को सपोर्ट मिले। और ये बात तो अभी सभी को पता है कि हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, जैसे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे शोज देखते हैं, ये सब कुछ हमें हमारे नेचुरल टैलेंट को समझने में हेल्प कर सकते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और फ्रेंड्स, जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है, तो बस उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। जैसे अनाया का नेचुरल टैलेंट है राइटिंग, तो ये जितना ज्यादा अलग अलग राइटर्स की लिखी हुई बुक्स पढ़ेगी, चीजों को एनालाइज करेगी और उसे अपनी राइटिंग से एक्सप्रेस करेगी, फीडबैक्स लेगी,
अपने आप को इम्प्रूव करेगी उतना ही ज्यादा इसका नेचुरल टैलेंट स्ट्रॉन्ग होगा और ये उसमें एक अच्छा करियर बना पाएगी। करेक्ट। वो कहते हैं ना, जब काम मन का हो तो काम काम नहीं रहता बल्कि एंजॉयमेंट बन जाता है। लेकिन एक अच्छे करियर के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। वैसे अभी पहले की तरह नहीं है जहाँ पेरेंट्स बस बच्चों को टिपिकल फील्ड्स में ही करियर बनाने के लिए फोर्स करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉयर एटसेट्रा। आज पेरेंट्स भी अलग अलग करियर ऑप्शंस के लिए अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं। हाँ, लेकिन अगर फिर भी किसी के घर में ऐसा नहीं है तो उन बच्चों को खुलकर अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टैलेंट और उससे बनने वाले करियर की वैल्यू पेरेंट्स को समझानी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अमित, टैलेंट and the support of parents is the key to one's success. वाह, तुम तो समझ गई। And I hope कि आप भी हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अपने अंदर के छुपे natural talent को कैसे खोजना है और फिर उसे कैसे strong बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मी, हमारी audience naturally smart और talented है। ये हमारी बातों को समझ भी गए और इसे follow भी करेंगे, है ना? और please हमारे channel को भी follow करिए ताकि हम ऐसे और भी बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें आपके लिए। तो आप भी अपने अंदर के छुपे नेचुरल टैलेंट को हमारी दी हुई टिप्स की हेल्प से पहचानिए और उसमें एक सक्सेसफुल करियर बनाइए। हमारी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। यस, और याद रखिए, स्मार्ट एंड टैलेंटेड बनना है तो देखते रहिए हमारी ये बिल्कुल नई हाउ टू वीडियो सीरीज ओनली ऑन आवर YouTube चैनल माइंड वॉर्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर माइंड वॉर्स YouTube चैनल। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डाउनलोड द ऐप नाउ।